पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे ब्लॉक के गांव सरकसा खास में आज श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथा से पूर्व क्षेत्र में कलश यात्रा भी निकाली गई। इस कलश यात्रा में छोटे छोटे बच्चों ने झांकियां भी निकाली जो मनमोहक थी। श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए कथावाचक ब्रज किशोर जी महाराज ने बताया कि सभी ग्रामीण और गांव के सर्वधर्म के लोगों के सहयोग से गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये कथा 7 दिन तक चलेगी। इस मौके पर सुरेश शर्मा, गिरीश गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, ओम वीर, रिंकू कश्यप, ओमी ठाकुर, बलवीर कश्यप, नन्हे कश्यप, पप्पन ठाकुर, अशोक कश्यप, रोहताश वर्मा सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। जी आज क्या प्रोग्राम है यहाँ पर? आज श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हुआ है। कौन सा गाँव? सरकड़ा खास। अच्छा, क्या क्या उपलब्धि है इसमें? क्या मतलब कहाँ का कौन कौन से मंदिर है, कहाँ पर चढ़ाव होता है, कलश यात्रा कौन कौन लोग निकालते हैं, किसका सहयोग रहता है? पूरे गाँव का सहयोग भी है। इस्लाम धर्म के भी लोग हैं, उनका भी पूरा सहयोग है। हमारे हिंदू धर्म के भी लोग हैं, उनका भी पूरा सहयोग है। अच्छा, पूरे गाँव में घूमती है कलश यात्रा या कहाँ कहाँ? पूरे गाँव में हर मंदिर पर भ्रमण करेगी, हर मंदिर पर पूजन करेगी। आगे क्या संदेश देना चाहोगे आप? आगे बस ये चाहेंगे धर्म को आगे बढ़ावा है। रोमी ठाकुर जी, क्या प्रोग्राम है आपके यहाँ? सभी ये हमारे यहाँ साल के साल श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है, उसके उपलक्ष्य में ये कलश यात्रा निकलती है। कहाँ कहाँ पर लेके जाते हैं? जैसे ये गांव में ही भ्रमण करते हैं, जो 3-4 मंदिर हैं वगैरह उस पर घुमा कर लाते हैं। अच्छा, कौन कौन लोग मौजूद रहते हैं इसमें? इसमें हमारे गांव के सभी सामान्य व्यक्ति रहते हैं, जिसमें सुरेश पंडित जी हैं, मास्टर ओमवीर सिंह हैं, या हमारे कश्यप समाज सभी है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? कोई नहीं, हमारे यहाँ कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जबकि हमारे यहाँ अच्छे खासे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, सब कुछ हमारे यहाँ से कभी कोई विवाद नहीं है। मुस्लिम लोगों का सहयोग होता है? हाँ, सभी का सहयोग।